हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूल में। आज हम लोग देखेंगे भिन्नों का घटाना। ठीक है, देखिए भिन्नों का घटाना सबसे पहले इसमें दो कंडीशन बनता है, या तो आपका हर एक समान हो या तो आपका हर अलग अलग हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जब हर एक समान हो। तो देखिए जब हर एक समान होता है तो क्या हम लोग करते हैं, जब हर एक समान होता है तो क्या करते हैं, हम लोग अंश वाले को हम आपस में घटा लेते हैं और हर को वैसे ही नीचे लिख देते हैं। देखिए जैसे ये दिया हुआ है आपका 8/3 माइनस 5/3, तो इसको क्या करेंगे कि 8 में से 5 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा, और ये हर को वैसे के वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये आप देखिए ये कटने वाली संख्या है, तीन 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 आपस में कट जाएगी तो क्या बचेगा आपका, एक बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसको देखते हैं, ये लिखा हुआ है आपका 13/5 माइनस 12/5, तो दोनों का क्या है, इसमें भी हर समान है तो क्या करेंगे हम लोग कि ये आपस में 13 माइनस 12 करेंगे तो 13 में से 12 जाएगा तो कितना आपका बचेगा, एक बचेगा, और हर को क्या लिखेंगे, वैसे के वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। फिर देखिए अब वो क्वेश्चन देखते हैं जिनके हर क्या हो, अलग अलग हो। देखिए जैसे ये दूसरा कंडीशन बन रहा है, जैसे कि क्या है कि जब हर अलग अलग हो, इस वाले को अंश बोलते हैं, इस वाले को हर। ठीक है, तो दोनों में क्या है, हर अलग अलग है, ये 3 है ये 5 है, इसमें भी देखिए अलग है, इसमें एक 4 है एक 3 है। तो ऐसे जब रहें तब क्या करते हैं हम लोग, ऐसे रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हर होता है उस हर का हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम निकालेंगे 3 और 5 का, तो ये एलसीएम आपका आएगा 15। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 आएगा। तो फिर क्या करेंगे, 3 से 15 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 आएगा, और 5 को क्या करेंगे, ऊपर अंश में गुणा कर देंगे। तो 5 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 और 8 40। ठीक है, इसको माइनस को माइनस ये रखेंगे। फिर देखिए ये भी क्या करेंगे, इसको इसको डिवाइड करेंगे फिर 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे 15 को तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को क्या करेंगे, ऊपर अंश में गुणा कर देते हैं, तो 3 का अंश में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 सत्ते 21 हो गया। ये देखिए फिर 40 में से 21 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 19 बचेगा, बटे के ये 15, तो आपका 15 ही है। ये देखिए फिर देखेंगे ये इसमें से कोई संख्या कटने वाली है, कोई चीज़ कटने वाली नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। फिर इसको भी वैसे ही हल करेंगे, इसमें भी देखिए दोनों का हर क्या है, अलग अलग है, 4 है, इसका क्या है, 3 है। दोनों का हर अलग अलग है, 4 है 3 है, तो फिर क्या करेंगे, इसका भी हम लोग लसा निकालेंगे, 4 और 3 का लसा निकालेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, 12 में क्या करेंगे हम लोग, 4 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे 12 को, तो आपका कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 3 का क्या करेंगे, अंश में गुणा कर देते हैं, तो 3 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 3 27। ठीक है, ये माइनस का माइनस ही लिखेंगे। ठीक है, फिर 3 से करेंगे इसको डिवाइड 12 को, तो कितना होगा, 4 बार जाएगा, तो 4 में ऊपर क्या करते हैं, अंश में गुणा कर देते हैं, तो 4 5 20। अब देखिए 27 में से 20 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा, और ये हर में आपका कितना है, 12, 12 को 12 को वैसे ही लिखेंगे। फिर देखेंगे इसमें कोई कटने वाली संख्या है, नहीं कटने वाली है, तो ये भी आपका क्या हो गया, आंसर। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।